बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब जी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। यहां पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन लिखी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक जुमला जो जाहिर करता है, अ कमांड, कमांड कहते हैं किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, यानी आप ऑर्डर कहो यहां पे, एन ऑर्डर, अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, एन एडवाइस, नसीहत, और अ सजेशन। सजेशन कहते हैं तजवीज को। ठीक है, और एक तजवीज इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड, कोई जुमला जो कोई हुक्म जाहिर करे, कोई दरख्वास्त, कोई नसीहत, कोई मशवरा, कोई तजवीज, ठीक है, जाहिर करे, उस जुमले को इंग्लिश में कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, ये एक कमांड है, एक ऑर्डर है। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, दिस इज अ रिक्वेस्ट, क्विट स्मोकिंग, सिगरेट नोशी छोड़ दो, ये एक एडवाइस है। डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, ये हुक्म भी कह लो, ऑर्डर कह लो, कमांड कह लो। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ सारो, जॉय और वंडर इज नॉन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक जुमला दैट एक्सप्रेसेस, जो जाहिर करता है अ स्टेट ऑफ सारो, अ स्टेट यानी हालत को, ऑफ सारो दुख की, जॉय खुशी की, और वंडर और हैरत की। यानी ऐसा जुमला जो दुख, तकलीफ, खुशी, गम या हैरत की हालत को जाहिर करता है इज नॉन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे ये देखें, हुर्रा, आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, तो ये किस चीज की हालत है? खुशी की, स्टेट ऑफ जॉय। अलास, आई कुडंट क्वालिफाई द एग्जाम, अफसोस, मैं इम्तहान पास नहीं कर सका, तो ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट ऑफ सारो है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, कितनी खूबसूरत कार है, वाओ, ये कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ वंडर। ये ऐसे जुमले हो तो उनको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आज की इस वीडियो में इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है हमने आज ये सीखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, ठीक है, तो हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है से, सेड, टेल, टोल्ड, उनको हमने इन वर्ड्स में चेंज कर देना है। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ठीक, ये हम लगा देंगे जी। फ्रेंड, अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में खुशी का जुमला हो तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देना है। अगर दुख या गम का जुमला हो तो उसको हमने एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज कर देना है। अगर कोई हैरत वाला जुमला हो रिपोर्टेड स्पीच में तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज कर देना। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कि इनको कैसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी, कि मेहरबानी करके मेरी मदद करो। फ्रेंड, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा?
अब देखिए प्लीज हेल्प नहीं, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, ठीक है। यहाँ पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ये वाला, इसको अब हमने इनडायरेक्ट में बदलना है। पहले हमने इसको देखना है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट की गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या इसका इनडायरेक्ट बनेगा, शी रिक्वेस्टेड मी, कोमास को हटा के टू लगा देना है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो ये जो प्लीज है ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो इस रिक्वेस्टेड में शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब आगे टू हेल्प हर, मी को हमने बदलना है सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये बन जाएगा हर, ठीक है, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर सेड टू हिम डोंट वेस्ट योर टाइम, कि टीचर ने उससे कहा अपना टाइम जाया मत करो, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, टीचर क्या कर रहा है, उसे एडवाइस कर रहा है, उसको नसीहत कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जुमले को पहले देखना है कि इसके अंदर क्या है, फिर उसके मुताबिक हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को एडवाइस दे रहा है, तो हम कहेंगे टीचर एडवाइज्ड हिम, ठीक है। अब डू नॉट था तो नॉट को हम यहां ले आएंगे, एडवाइज हिम नॉट, कॉमास को हटा के टू लगा देंगे, वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर ने उससे कहा अवॉइड अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड से अवॉइड करो, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर, हमने सेड टू को किसमें चेंज कर दिया, एडवाइज्ड में, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, कॉमास हटा के टू आ जाएगा, आगे अवॉइड अनहेल्दी फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा क्लीन द रूम, कमरा साफ कर दो, तो हम क्या कह देंगे, ही सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर में, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, आगे कॉमास हटा के टू आ जाएगा, टू क्लीन द रूम। आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, एक तो आपने करना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको आपने रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, सजेस्टेड, ठीक है, इनमें चेंज कर देना है। ऐसे जुमले हों तो हमने कॉमास हटा के टू लगा देना है। जी फ्रेंड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, तो अब देखते हैं कि इनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। पहला सेंटेंस है, दे सेड हुर्रा वी वॉन द गेम, उन्होंने कहा हुर्रा हम गेम जीत गए। अब यहाँ पे देखिए खुशी का इजहार हो रहा है कि उन्होंने गेम जीती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमने चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है। खुशी का जुमला हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देना है, अगर दुख गम तकलीफ का जुमला हो तो हमने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर देना है, अगर कोई हैरत वाला जुमला हो तो उसको एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज कर देना है। तो हमने क्या कहना, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमास हटा के इन सेंटेंसेस में हमने दैट लगाना है, ठीक है, दैट वी वॉन द गेम, जो सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनेट का है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, दे हैड वॉन द गेम, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड एलिस आई फेल्ड द टेस्ट, अब एलिस इसका मतलब ये है कि दुख का जुमला है, तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट, कॉमास हटा के हमने यहां पे दैट लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड failed the test. Next sentence है, Ali said to him, how intelligent you are, कि तुम कितने intelligent हो, ठीक है। अब देखे यहां पे हैरत का इजहार हो रहा है, तो जब हम इसको indirect में change करेंगे तो कैसे होगा,
Ali exclaimed with wonder. Said to को किसमें change कर दिया? Exclaimed with wonder में. ठीक है? ये आपने खुद देखना है कि यहाँ पे sentence किस चीज़ का है? खुशी का है, गम का है, तकलीफ का है, हैरत का है. फिर उसके मुताबिक आपने exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with wonder इसमें change करना है. ठीक है? तो ये अब हैरत वाला जुमला है. How intelligent you are. तो इसको आप क्या करोगे? Ali exclaimed with wonder. ठीक है? अब यहाँ पे commas हटा के हमने that लगा दिया. तो क्या होगा? How intelligent you को हमने किसमें change कर देना है? Object के मुताबिक. तो present को हमने past में change कर देना. तो क्या हो जाएगा? That how intelligent he was. ठीक है? इन जुमलों में कॉमास हटा के हमने दैट का इस्तेमाल करना है. इज इट क्लियर? अगर इनमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे दोबारा कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. ठीक है? आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आज हमने ये किए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे. जी फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.